नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी, आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। आती जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर क्षेत्र से आ रही है। वेलकम बैक, मैं मोहम्मद रईस और आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। अभी मैं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिला के छितौनी नगर पंचायत में उपस्थित हूँ और ये प्रथम बार नगर पंचायत घोषित हुआ है और इस चुनाव में कई सारी पार्टियों के जो प्रत्याशी है उतरे हुए अपने दमखम पर और सबों ने अपने अपने भाग को आजमा रहे हैं कि चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे अन्य चाहे निर्दलीय पार्टियां हों, बात यह है क्या आखिर में ग्राम पंचायत से नगर परिषद या नगर पंचायत कोई क्षेत्र घोषित होता है, मकसद सिर्फ एक होता है बदलाव, सही दिशा में चेंजेस। तो मैं इसी क्षेत्र में एक प्रत्याशी है जो आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, तो मैं चाहूँगा आपको इनसे मैं रूबरू कराऊँ। तो सर, बहुत बहुत सर शुक्रिया आपका, आप हमें अपना प्रीसियस समय दे रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से आप अपनी जनता के समक्ष। तो सर, मैं चाहूँगा कि आप अपना परिचय दें, फिर उसके बाद हम लोग आगे कार्यक्रम बढ़ाएंगे। हम विनोद गोट छितौनी से, नगर पंचायत छितौनी के रहने वाले हैं और नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। सर शुक्रिया। सर आपकी कौन सी पार्टी है? हमारी आम आदमी पार्टी है, केजरीवाल साहब की पार्टी है, ईमानदार पार्टी है। हम चुनाव जीतेंगे, आप प्रयास में लगे हैं कि हम लोग चुनाव संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष मैं आपको बता दूं, ये उसी पार्टी से है जिनके अध्यक्ष आज दिल्ली की कुर्सी पर बैठे हुए हैं और दिल्ली का जो मॉडल है वो पूरे भारत में सराहनीय है, इसको आपके पास एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं। तो मैं सर चाहूँगा आखिर में आम आदमी पार्टी क्यों चुने हैं आप? ईमानदार पार्टी है, हम लोग इसीलिए इसको चुने हैं। सवाल तो सर बहुत सारे हैं, मैं एक सवाल से आप जो है शुरू करूंगा। जिस क्षेत्र में आप छितौनी में हैं, जहां से आप चुनाव लड़ रहे हैं, समस्या तो बहुत बड़ी समस्याओं का अंबार है। सबसे बड़ी सर समस्या यहां पर आपकी कौन सी दिखाई दी जिससे हर एक आदमी जूझ रहा है? सबसे बड़ी समस्या है कि यहां पहले रेल चलता था, यहां छितौनी स्टेशन था, छितौनी स्टेशन बंद हो गया है, शुगर फैक्ट्री भी बंद हो गया है, यहाँ के लोग बेकार हो गए हैं। यहाँ 1300-1400 मजदूर यहाँ काम करते थे, सारे लोग इतने पर बेकार पड़े हैं, यहाँ का विकास रुका हुआ है। हम चाह रहे हैं कि यहाँ का विकास के लिए जितना सहयोग हो सके हम लोग करें। सर, चुनाव में आने का वजह क्या है, क्या वजह है कि आप चुनाव में आए हुए हैं? हम चाह रहे हैं कि यहाँ का विकास करें, हम जीत के आम आदमी पार्टी से जीत के इस चौराहे का, इस नगर पंचायत का सबका विकास करें। अगला सर सवाल ये है कि जब ये रोजगार की बात की, रोजगार के लिए आप क्या करना चाहेंगे? रोजगार अगर आपकी सत्ता आपके हाथ में आ जाती है तो फैक्ट्री, सबसे पहले तो हम आवेदन करेंगे कि केजरीवाल साहब से कि हमारी फैक्ट्री चलाया जाए, हमारा रेल चलाया जाए, यहाँ पे जो भी भुखमरी है, बेकारी है, उसको किसी तरह सॉल्व किया जाए और फैक्ट्री चलने से बहुत लोगों का रोजी रोजगार का न हो कि अवसर मिलेगा। सर, जनता के बीच आप जा रहे हैं, डोर टू डोर विजिट कर रहे हैं, क्या रेस्पॉन्स मिल रहा है? जनता आपके साथ है? जी जी, बहुत है, जनता हमारे पूरा पूरा साथ दे रही है और हम लोग चुनाव जीतेंगे। चलिए सर, आप दो मिनट बैठिए, मैं चाहूँगा जो इनके सहयोगी सर आप बैठ रहिए, जो इनके साथ में साथ हाथ में हाथ मिलाकर कदम में कदम मिलाकर चल रहे हैं। सर आखिर में आम आदमी पार्टी क्यों आप इनके साथ आए हैं? सर आइए सर, जरा कैमरा में साहब, आप इनके साथ हैं, क्या वजह है सर? सर यही वजह है कि हमारा आम आदमी पार्टी कहीं ना दाग ना कुछ है, हम इनके लिए हमारे लिए बहुत कुछ करेंगे। हमारा फैक्ट्री जो 1 लाख आदमियों से जुड़ा था वो बंद कर दिया गया, भाजपा की सरकार बनती है। सर आप सर एक है सवाल की मैं इशारा में आपसे मैं पूछूंगा, आप स्वयं जानते हैं यूपी में सब बा, तो सर तो फिर ये छितौनी में समस्या कहाँ से आएगी, क्या लगता है कि इसका निवारण सर कर पाएंगे? सबसे पहले तो मैं सबको नमस्ते करता हूँ और जो कि यहाँ पे देखिए सभी कोई आता है झूठा वादा दे के सबको चला जाता है, लेकिन ये है कि कोई
उस पर खरा नहीं होता। सर ये तो बात है कि जो भी वादे किए थे हमारे केजरीवाल साहब उस पर मेहनत कर रहे हैं और कुछ पर खरा भी उतर चुके हैं, इसी बात की सर आप लोगों से इनसे उम्मीद है। जी 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 जी, इसी के मारे केजरीवाल साहब कि ऐसे आदमी को चुने हैं जो कि ईमानदार आदमी है और जो बात कहते हैं वो करेंगे। चलिए बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद, संघर्ष कीजिए। सर लास्टली आखिरी में सर आपसे एक सवाल है कि जो 4 मई को चुनाव होगा, जो आपकी जनता जाएगी वोट डालने के लिए, इनसे आप क्या कहना चाहेंगे? भाई हम यही कहना चाहेंगे कि हमको वोट दीजिए, हम विकास करेंगे, जितना होगा हम संघर्ष करेंगे, आपके लिए हम लड़ेंगे, जो भी होगा हम अपने दमखम पर हमारी पार्टी के तरफ से जो भी सहयोग होगा हम लोग करेंगे। चलिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे चैनल के माध्यम से जनता के समक्ष अपना समय दिया। तो ऐसे ही चुनाव की बात करें, जब जो भी व्यक्ति जब बूथ पर जाए वोट करने, अपने मतदान करने, एक बात याद रखिए, आप एक वोट नहीं, आप अपने क्षेत्र का, बच्चे का भविष्य तय करने जा रहे हैं, किस व्यक्ति के हाथ, किस पार्टी के हाथ में देने जा रहे हैं। बस मैं यही कहूँगा, जो भी आपको पार्टी साफ लगे, क्लीन लगे, जो आपको उस पर बिलीव हो कि हाँ कि यार बंदा कुछ चेंजिंग ला सकता है क्षेत्र में, आप उसी को सपोर्ट करें। ऐसी खबर देखने के लिए विजिट कीजिए हमारे चैनल। मैं रईसुल आजम, कैमरा पर्सन कलीम कुरैशी के साथ, उत्तर प्रदेश कुशीनगर।